हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई चाप। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर काओ मिल्क, जिसको मैंने भगोने में चढ़ा दिया है। अब इसमें हम उबाल आने देंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि इसमें मलाई ना जम पाए। अब दूध में अच्छे से बॉईल आ गया था, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जिससे इसकी गर्माई निकल जाए। अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे फाड़ेंगे। और इसके लिए मैंने 2 नींबू का रस निकाल लिया है और उसमें 6 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। अब 1-1 टेबल स्पून करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। अगर दूध आपका ना फटे तो आप इसमें 1/2 नींबू का रस और ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, दूध हमारा फट गया है अच्छे से। अब हम इसमें 1 कप ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे कि इसकी जो हीट है वो काफ़ी निकल जाए और पनीर हमारा सॉफ्ट बनेगा इससे। अब हम इसको छानेंगे। इसके लिए मैंने एक छलनी ली है और जिसमें एक कॉटन का कपड़ा लगा दिया है। अब इसको धीरे धीरे करके हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे। अब देखिए, जो ये पनीर का पानी निकला है, इसको हम आटा गूंथने में या दाल में आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको रख के आप इसको दोबारा, आपको छीना फाड़ना हो तो आप उसके लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम इसको वॉश कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें नींबू का रस डाला था, इसलिए इसमें इसका खट्टापन हटाने के लिए इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से 2-3 कप पानी से वॉश कर दिया है। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। इसमें से हमें सारा पानी एकदम अच्छे से निचोड़ लेना है। अब देखिए, मैंने इसमें से अच्छे से पानी निचोड़ दिया है। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए इसी तरह बांध के छलनी में रख देंगे, या फिर आप इसे कहीं लटका भी सकते हैं। अब इसको 1/2 घंटा हो गया है, हम देख लेते हैं। 1/2 घंटा से ज़्यादा हमें नहीं करना है, नहीं तो ये एकदम ड्राई हो जाएगा और आपका छेना अच्छा नहीं बनेगा। देखिए, ये एकदम सही हो गया है। अब हम इसको एक बड़े परात में या फिर बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको सॉफ्ट बनाने के लिए और इसके दाने ख़त्म करने के लिए इसको धीरे धीरे हथेली की मदद से रगड़ेंगे इस तरह। देखिए, ये हमारा छेना सॉफ्ट होने लगा है, इसके दाने भी ख़त्म होने लगे हैं। इसी तरह हमें इसको 5 मिनट तक रगड़ना है। जब तक हम ये रगड़ रहे हैं, उससे पहले हम चाशनी बनाने के लिए रख देते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन लिया है, इसको गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे और इसी कप से, जिस कप से आप चीनी डालेंगे उसी कप से हम 6 कप पानी भी डालेंगे। अब इसको हम एकदम तेज़ आंच पे करके रख देंगे, जैसे कि चीनी इसमें घुल जाए।
हमें इसे रगड़ते हुए 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच मैदा। आप मैदा की जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अरारोट भी। अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे और इसको करीब 3 से 4 मिनट के लिए फिर से रगड़ेंगे। अब इसे रगड़ते हुए हमें 3 से 4 मिनट और हो चुका है। अब हम इसकी बॉल्स बनाते हैं। इसको हम चाहे राउंड शेप और चाहे आप ओवल शेप में भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको इस शेप में कर लिया है। और आपको ध्यान रखना होगा स्मूथ करते टाइम, अगर आप ऐसे इस टाइप से बनाएं और ये साइड से कहीं से फटे ना। अगर ये फट रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर लीजिए रगड़ के। अब जो हम बना के रख रहे हैं इसको हम उबलती हुई चाशनी में डाल देंगे। जब तक कि इसमें चाशनी में बॉयल अच्छे से ना आ जाए तब तक कि हमें इसे नहीं डालना है। अब चाशनी में बॉयल आने लगा है, हम इसको इसमें डाल देंगे। हम अपने सारे चाप को इसी तरह इसमें डाल देंगे। हमने सारे जो है चाप को ओवल शेप में बनाया है, लेकिन एक मैं आपको अलग शेप में बना के दिखाती हूँ। इसको हम गोल शेप में बनाएंगे। इस टाइप से प्रेस करते हुए हल्का सा इसको नीचे की तरफ कर देंगे। अब देखिए इसको भी हम डाल देंगे और इसको करीब हम 7 से 8 मिनट के लिए ऐसे ही हाई फ्लेम पे उबलने देंगे और इसे हम ढक देंगे। जब तक ये चाप हमारे बॉईल हो रहे हैं हम दूसरी तरफ इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने गैस पे एक बर्तन रख दिया है जिसमें हम 5 टेबल स्पून मावा लेंगे और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप शुगर और इसको अच्छे से इसमें मेल्ट होने देंगे। अब इसको भी 10 मिनट हो गया है करीब। अब हम इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे। अब हम धीरे धीरे करके इसको बैक साइड से भी पलट देंगे। देखिए कितना साइज़ में बड़ा हो गया है, एकदम डबल साइज़ के हो गए हैं ये। अब इसको भी हम 10 मिनट के लिए ढक के बॉईल होने देंगे। अब इसमें चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें येलो फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। आप इसकी जगह अगर केसर हो तो दूध में भिगो के थोड़ा सा केसर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इसे ढके हुए हमें करीब 8 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट पूरा मैंने नहीं किया है। और अब हम इसको हटा के देख लेंगे और ये बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। देखिए चाप हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे किसी छन्नी पे निकाल लेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसमें से पानी काफ़ी हद तक निकल गया है। अब हम इसको बीच से काटेंगे। इसको हमें तेज़ धार के चाकू लेके और धीरे धीरे काटना होगा। अब देखिए ये अच्छे से कट गया है और कितनी अच्छी इसमें जाली आई है, मतलब कि हमारा जो छेना है वो बहुत अच्छा बना था और बहुत अच्छे से ये फूला है। इसी तरह हम अपने सारे चाप को काट लेंगे और अब हम इसमें एक में पहले आपको स्टफिंग करके दिखाते हैं। जो हमने मावे की स्टफिंग रेडी की थी अब इसको हम इसके अंदर थोड़ा सा लेके फिल करेंगे। इसमें चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी, केवड़ा, कुछ भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। देखिए हमने इसको अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दिया है। अब हम ये लेके इसको ऊपर से इसका दूसरा पार्ट बंद कर देंगे और ये एकदम तैयार है। इसी तरह हम अपनी सारी मिठाई बना लेंगे।
अब देखिए मैंने सारी अपनी मलाई चाप बना के तैयार कर ली है। ये कितनी सुंदर लग रही है और बहुत ही इजी है इसको बनाना। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। आप डेकोरेट करने के लिए पिस्ता या कोई और भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ। इसके लिए हम लेंगे 1 पिंच रेड फूड कलर और इसमें डालेंगे हम करीब 1-2 ड्रॉप पानी। अब हम एक स्टिक की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम हल्का हल्का ये कलर यहाँ पे पिंच लगाएंगे। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी हो तो उसको भी आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। अब दिवाली आने वाली है, आप चाहें तो आप ये मिठाई घर में ही आप तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप चाहे तो राउंड शेप में बनाइए, चाहे इसको ओवल शेप में, आप साइज़ भी छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ का पता चल सके। और उसका बेल आइकन आप प्रेस करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।